पिछले कुछ सालों से देश और प्रदेश में बढ़ रही भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने सख्त कानून लाने की तैयारी कर ली है। इसके माध्यम से उन सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई हो सकेगी जो मॉब लिंचिंग में लिप्त रहते हैं। सरकार की ओर से मंगलवार को विधानसभा में ये बिल रखा गया। संभवतः ये बिल अगले सप्ताह कानून का रूप भी ले लेगा। राजस्थान लिंचिंग संरक्षण विधेयक 2019 के अस्तित्व में आने के बाद भीड़ में शामिल होकर मारपीट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम सचिन पायलट का कहना है कि प्रदेश में किसी भी तरह की हिंसक घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों को कानून हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकार, कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की घिनौनी हिंसक वारदातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोग कानून को हाथ में लेते हैं उन लोगों के खिलाफ हम लोग एक सख्त कानून बना रहे हैं। पूरे देश में मॉब लिंचिंग हो, ऑनर किलिंग हो, कम से कम राजस्थान के अंदर हमने पहल करी है और सभ्य समाज के अंदर कानून अपने हाथ में लेकर लोगों को मारा जाए, उनकी जान ले ली जाए, ये कोई कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हम लोगों ने पहल की है, जनता इसको समझ रही है, पूरा देश देख रहा है। पिछले कुछ सालों में मॉब लिंचिंग की लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, जो झारखंड में हुआ, बाकी राज्यों में हुआ, हमारे सामने है। लेकिन राजस्थान में हम लोग कानून हमने कल प्रस्तुत किया है, अगले हफ्ते इसको पारित कर देंगे। ऐसे तो हमारे जो भी कानून बने हुए हैं वो स्वयं में अपने आप में इतने सक्षम है कि अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होती है। चाहे आप किसी प्रकार की घटना ले लो, कुंभलगढ़ की घटना हुई, चाहे एक इंडिविजुअल समाज ने पूरी की, तो उसमें पूरी सबको सजा दी और सबने सब जेल में रहे। लेकिन ये केवल दिखाना चाहते हैं उन लोगों को कि हम आप लोगों के साथ हैं। मैं सोचता हूँ इससे कोई विशेष पर्पज हल न तो पहले हुआ न तो होगा।